पापा की पड़ी ही जमीन पे पड़ी। तो उम्मीद है वास्ते कि आपका गुंचे दिल खुशियों से शादाब होगा, आपकी तबीयत भी ठीक होगी। दोस्तों रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस के 32वें एपिसोड में आज फिर हम कोई दो चार नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल वीडियोस देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की बकवास शुरू की जाए। जिन परिंदों को दाना बैर का पसंद हो मुर्शद, वो परिंदे हम उड़ा दिया करते हैं। हाँ बेटा उड़े परिंदे, परिंदों का तो पता नहीं, फिलहाल तेरे तोते उड़ गए हैं। और बनाओ टिकटॉक, शोखी मारने का यही अंजाम होता है, मुंह का रिएक्शन चेक करो। परिंदों की बात करके घूमा ऐसे है जैसे ये उड़ जाएगा। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही हूँ मेरे लिए वो सब कुछ है। वो शाहिद कपूर था, ये शायद कपूर है, लास्ट घिसी हुई कॉपी ऑफ कबीर सिंह। बोशो माँ, बोशो बोशो, बोशो। ये क्या है? है क्यों है? किंजो हो गया कि थू हो गया? मदारी के इशारों पे नाचने वाला बांदर तो देखा है, म्यूजिक पे नाचने वाला बांदर पहली दफा देख रहा हूँ। धुम धुम तक की क्या पावर है, मरे हुए बंदे ने उठ के सबको पेल दिया। आई थिंक ये फिल्टर्स का कमाल है, शायद स्नैपचैट के फिल्टर्स का। वैसे यार फिल्टर्स की भी क्या बात है, अफ्रीकन अमेरिकन बन जाता है। बात तो सही है। अबे पहेंगंदे, ये कौन सी मोहब्बत है? लड़के ने एटमी हमला करके लड़की को इंप्रेस कर दिया, होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, ये है लव एट फर्स्ट साइट। अबे ये कैसा डांस है, ये डांस कर रहे हो या अपने पैंपर की क्वालिटी चेक करवा रहे हो? कि जरा चेक कर मेरा पैंपर लीक तो नहीं होता। आपने देखा उसने क्या किया, जरा दोबारा देखें, पैसे देता देता जेब में डाल गया। अब आप चाची को देखना, चाचा दिल पे ले गया। चाचा सब कुछ छोड़ के उसके पीछे कि तेरी तो पहले तुझे तो मैं सेट करूं। लो रिदम रिदम में उसकी तशरीफ चिब्बी कर दी। ये बंदा अब सोच रहा होगा कि हुण हुण दबंग नहीं, हाय हाय दबंग। वाह चाचा जी वाह, आप तो खुद पकड़े गए। एक मिनट, ये ब्रेड है और ये ईंट है, क्या करने लगा? ब्रिक्स से ज्यादा तो इन ब्रेड्स की बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। वैसे तो पड़े पड़े ब्रेड्स को उल्ली लगती है, ये पड़े पड़े ब्रेड लोहा बन गए हैं। एज विल यू गेट मैरिड? ये काम रह गया। यकीनन आपको हासा आया होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये रियल है, लेकिन नहीं, जरा गौर से देखें, इस लड़की ने खुद खुद कुछ पेड़ मारी है। यानी कुछ वीडियो स्क्रिप्टेड होती है आपको हंसाने के लिए, लेकिन सारी स्क्रिप्टेड नहीं होती। गलती तो सारी बच्चे की है, क्यों आया उसके सामने? आंटी जी ब्रेक्स का क्या मकसद है? ब्रेक मारनी थी ना, आपने स्कूटी मार दिया बच्चे को। दोस्तों जरा मिलिए गुलशन कॉलोनी की बिली आलिश।
मैं बस एक चीज पे हैरान होता हूँ, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसने उस कार वाले का शुक्रिया इसी वजह से अदा किया है कि भाई मेरी हरकतें ठुकने वाली थी, तेरी मेहरबानी, तेरी वजह से बचत हो गई। और फिर अचानक आगे जाके ठा वजह है, यानी कि इसकी हरकतों की वजह से इसका ठुकना लिखा था। वो तेरी बिल्ली पता नहीं कितनी देर से छई लगा के बैठी थी। वैसे यार क्या परफेक्ट हमला किया बिल्ली ने। बच्चा भी कह रहा होगा, मामा आप तो मुझे बचाने आई थी। ये हमारे पाकिस्तानियों का हाल है, ठीक है। एक बंदा कश्मीर हाईवे से टर्न लेकर अपने घर की तरफ आया है, ठीक है। सारे लोग उसके पीछे आ गए, सही हो गए, क्योंकि कश्मीर हाईवे सारा बंद था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट रास्ता है। और आगे उस बंदे ने बोला, यार आप सारे किधर आ गए हो? ये तो मेरा घर, मैं अपने घर की तरफ आया हूँ, तो ये देख लें अभी ट्रैफिक सारी जाम हो। ओ भाई तू मुझे एक बात बता, तू भी तो उन्हीं के पीछे आया ना, बड़ा उनको ताने दे रहा। तू कौन सा इधर का ही रिहायशी है? तू भी ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह उनके पीछे पीछे ही आया और अब वीडियो बना के शेयरू बन रहे के, ओए देखा लोग कितने पागल है, मैं तो बड़ा समझदार हूँ। इस बंदे ने अपने जिस्म की सारी ताकतें लगा के कोशिश किया कि ये ना गिरे, मगर गोते खाना इसकी किस्मत में लिखा था। वाकई ये जो है और मुल्क के हालात से ज्यादा है यार, हालात बहुत खराब हो गए हैं और मुल्क के इन खराब हालात में इस भाई साहब ने दिमाग भी खराब कर दिया। अबे ओ खोती रेडी पे स्पीकर लगाने वाले, तुझे ये आइडिया देता कौन है? हर फेमस गाने को ये कलाम वगैरह में तब्दील कर देता, वो कच्चा बादाम को भी इसने किया था। मुझे लगता है इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा रोस्ट होना चाहिए। अभी मुल्क के हालात की बात हो ही रही है तो हरीम शाह की दो चार वीडियोस भी लीक हुई है। मतलब यार ये ट्रेंड बन चुका है वीडियो लीक करना, और मजे की बात जो लोगों की वीडियोस लीक करती थी उसकी अपनी हो गई। यार पाकिस्तान के हालात की कोई समझ नहीं आ रही। कभी कभी मैं दिल को तसल्ली देने के लिए सोच लेता हूँ कि बहुत अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा, और जो इस वीडियो को लाइक करेगा वो भी अच्छा होगा, और जो पहली दफा इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब भी कर दिया यार, वो तो बंदा ही बहुत अच्छा है। ओके फिर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।